पेट्रोल पंप से ही खुला। ओ भाई शिट यार, ओ भाई सिकट हो गई। इजी है, इजी टू वर्क। अब क्या ना कि हम इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं मूव करने के लिए, ठीक है, राइट लेफ्ट, ठीक है ना भाई। भाई 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 ये गया आके भूख गया। जल्दी चल, जल्दी चल, जल्दी चल, जल्दी कर, बाइक खड़ा कर आमिर, बाइक खड़ा कर। हुआ क्या का इंडिकेटर वगैरह वो क्या जीते पूरा स्क्रैच हो गया। पानी दे दे, पानी है। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आमिर फारूक कैसे है मेरे YouTube एंड Facebook फ्रेंडली। तो आज का व्लॉग हम गाइस कर रहे हैं जरा सा व्लॉग इस लोकेशन से स्टार्ट, पेट्रोल पंप से ही व्लॉग। ओ भाई शिट यार, लगी मत लगी लगी सिकट हो गई, ब्रेक मारनी है लगी तो नहीं भाई, आराम से चला यार, आराम से। भाई बाइक का ना थोड़ा मतलब यहाँ पे स्किट हो गया, पूरा गिर गया, लेकिन कटवट लगे शुक्र है बच गया। तो यहाँ पे थोड़ा आराम से ही चलना चाहिए। ये देखो यार पूरी यहाँ पे ये है ना, ये सीन जो है ना इससे सीन ही होता है। बाकी हमारे साथ अपने फैसल भाई। भाई कहाँ बिजी हो, सलाम अली, ठीक हो? देखो भाई आप इतने लंबे क्यों हो भाई, भाई लंबा करो। पता है मुझे यार रुक एक सेकंड, पहले मुझे इस पे चढ़ना पड़ेगा। ये आ जाएगा, अब आ रहा है भाई, अब लेवल में आ रहा है, देख रहे हो? माशाल्लाह बंदा जो है ना इतना लंबा है ना, सही है यार। इतना लंबा भी नहीं हूँ, 6.5 फुट का हूँ यार, सही है। आज तेरी बेइज्जती होगी। सो काफी सही बंदा है, तो आज इसके साथ हम राइड करने वाले हैं। एंड आके भाई तो अभी यहाँ से हमें क्या करना है, आगे कहाँ जाना है फिलहाल? अब सोच रहे हैं फर्गन टॉप वाली साइड की तरफ देखेंगे, उस तरफ शॉट अच्छे मिलेंगे, सही है, वीडियो वगैरह ले रहे हैं कुछ। हाँ ठीक, बाकी अपने आकिब भाई क्या तू कहाँ गायब होता है? मैं भाई कुवैत जा रहा, लोंडे को लोंडा कुवैत जा रहा, कह रहा मैं जिस दिन कुवैत से वापस आऊंगा सबसे पहले हायाबुसा मंगाऊंगा दिल्ली में। सही है भाई, अपनी बाइक आज बहुत टाइम के बाद, मतलब थोड़ा सा सीन हो चुका था वो मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी आ चुकी है हमारे पास, एंड तो आराम से चलेंगे, सेफली चलेंगे, बड़े प्यार से चलेंगे, सारे राइडिंग ग्लोव्स पहनेंगे एंड यहाँ से निकलते हैं। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अगर मेरे फेसबुक पे इतना तो फॉलो कर देना। तो चलते हैं गाइस यहाँ से, करते हैं प्यारा सा व्लॉग स्टार्ट। व्लॉग तो नहीं होगा क्योंकि मेरे पास अभी वो सामान नहीं है, चलते हैं भाई। तो साथ में चल रहे हैं अभी आकिब भाई एंड आमिर भाई कर रहे हैं ड्राइव, हम बैठे हैं पीछे क्योंकि क्योंकि हमें पता है हमसे कुछ नहीं होगा, हमारे पास कुछ है ही नहीं है, तो क्या ही करेंगे ना। तो फिलहाल आप जा रहे हैं हरे ही जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ वीडियोस वगैरह शूट करेंगे और आमिर भाई का एक सॉन्ग है जो कि जल्दी आने वाला है, उसका भी थोड़ा चेक करेंगे कि कैसा हिसाब किताब रहता है, लोकेशन कैसी रहती है। तो पहुँचते हैं फिलहाल वहाँ पे, मिलते हैं वहीं पे जाके। अभी हम आ गए इस वाली लोकेशन पे, स्टार्ट है, पता नहीं भाई ने क्यों स्टार्ट रखी है, स्टार्ट है एंड ये वाली लोकेशन है। एंड अपना फैसल भाई रील शूट कर रहा है, अपना गिम्बल है, मुझे तो नहीं आता है अभी यूज करना, अभी ये सिनेमेटिक शॉट्स ले रहा है यहाँ से। ठीक भाई, मुझे भी सिखाना है ये कैसे यूज करते हैं भाई, इसमें करना कुछ नहीं होता, इजी है, इजी टू वर्क। अब क्या ना कि हम इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं मूव करने के लिए, ठीक है, राइट लेफ्ट, ठीक है ना, अप एंड डाउन, लेकिन करना कुछ नहीं पड़ता, हल्का सा इसको प्रेस करके रखो और सामने आपका जो भी बंदा है बस आपको खाली उसको आपको मतलब अपना हाथ हिलाना है, इसके साथ बिल्कुल भी छेड़ना, नॉर्मली हिलाना है, जैसे बाइक में, जैसे बाइक का मैं नॉर्मली अपना हाथ हिला रहा हूँ, सही है, मैं इसको बिल्कुल नहीं हिला रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना हाथ हाथ हिला रहा हूँ। अरे यार मेरे को नहीं आएगा ना, एक मिनट इधर देना गाइस, अभी ट्राई करते हैं हम भी, बिल्कुल नॉर्मली, इतना खतरनाक गिम्बल है यार, ये ऐसे घूम जाता है पूरा, जिधर घुमाना होगा ना ऐसे इस बटन से घूम जाता है, देख रहे हो, काफ़ी सही है यार। एंड रील चेक करो यार सामने से कितना सही आ रहा है, तो अभी यहाँ पे थोड़ी सी रील लेंगे एंड ट्राई करेंगे, ये भी देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं इसको, लेना नहीं हो पाएगा। तो अभी मैंने गिम्बल जो है ना बाहर ही रखा है, यहाँ देखो, तो अभी अपने भाई जो है ना सामने, देखो यार इसमें रील कितनी सही, कितनी ज़बरदस्त आती है। तो जी गाइज अभी हमने थोड़ी सी रील्स बना ली, एक दो रील्स, अभी आगे चलते हैं एंड जाके इंस्टा पे फॉलो कर देना, रील्स में काफ़ी सही डाल रहा हूँ, तो अभी चलते हैं यहाँ से। बाकी अपना सामान चेकआउट मार लो यार, किधर पड़ा है यार ये देख रहे हो, हाँ इतना भारी बैग है ना, गिम्बल वगैरह रख के बाद भाई, भाई भाई देख रहे हो तेरे गुर्दे, हम कहाँ ऊपर ही चले ना हल्का सा, हाँ हाँ देख रहे हो भाई, इतना सारा सामान यार कहाँ से उठाऊँ मैं। मोटो व्लॉग तो आज नहीं हो पाएगा बिकॉज अपनी माइक वाइक जो भी है ना सारा सामान घर भी है, वो भी ऐसी जुगाड़ कर लेंगे। देखो भाई व्लॉग का कोई सीन ही नहीं था ना हमारा, मोटो व्लॉग का मतलब कोई था ही नहीं सीन, हमने तो नॉर्मली व्लॉग बनाना था,
बट अचानक से फिर मैंने भी आमिर भाई को फोर्स किया, भाई सब्सक्राइबर देखा तो फिल कैसे जुगाड़ कर रहे हैं क्या हो भाई सस्ते नशे। मैंने कहा ना यहाँ कश्मीर में बहुत गंदी चीज है, हल्का सा कोई स्लो चल रहा है उसके पीछे हॉर्न पे हॉर्न किए जाते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत है, बहुत गंदा सीन है। भाई 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 भाई, भाई ये गया हाकिम, जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल जल्दी। अबे क्या हो गया, खड़ा हो क्या भाई? भाई 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 बाइक खड़ा कर, बाइक खड़ा कर आमिर, बाइक खड़ा कर। क्या सीन हुआ भाई, लीवर वगैरह बेंड हो गया सब, ब्रेक का बेंड हो गया, वो सब गया, एक साइड पूरा गया। फाइव का ना ये बहुत गंदा चक्कर होता है भाई, ये कभी भी कहीं पे भी स्किड, क्योंकि हल्की होती है ना पीछे से, देख रहे हो गाइस यहाँ से स्किड हो गई है। अरे यार इंडिकेटर कहाँ, ये भी टूट गया शायद यार, बच्ची है पूरी खत्म है गाइस, पूरी बाइक खत्म है, इंडिकेटर स्किड ठीक है शुक्र। तो गाइज अभी पता नहीं आकिब के साथ क्या चक्कर हुआ था, स्किट हो गई थी बाइक पे यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे बहुत सारे धक्का मारना हो जाएगी, स्टार्ट भी नहीं हो रही है बाइक यार, फैसल अब धक्का दे रहा है। चलो कोई नहीं, ये तो होता रहता है, बाइक का टायर जो है ना पूरा स्किट हो गया, तो आराम से चल रहा था, हम आराम से ही चलते हैं, तो स्किट हो गया, पता नहीं क्या चक्कर हो गया तो बाइक गिर गई यार। तो चलो कोई बात नहीं, खैर सब ठीक है, बाकी राइडिंग गियर पहनने चाहिए, मैं हर टाइम बोलता हूँ राइडिंग गियर पहनो यार मेरी तरह, मैं हर एक राइडिंग गियर पहनता हूँ, हेलमेट ग्लो सब कुछ, स्लो चलो यार गाइस, पूरा स्लो चलना चाहिए, देखो धक्का दे रहा है, बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही यार, बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था यार, हो गया हाँ करवा दी, चल ठीक है चल निकलते हैं, दिन ना पूरा खराब ही था। बताइए क्या चक्कर है, क्या चक्कर है, इस पर बड़ी खराब है भाई आज के टाइम में पूरी यार, हर चीज की नजर हम पे, कसम से सही जनमन बात बोल रहा हूँ भाई, अभी वो सब्सक्राइबर वगैरह मिलके शुक्र है वो थे, हालांकि इतना बड़ा मसला भी नहीं, वो हल्का सी बाइक स्कीटों की गिर गया, नॉर्मल मसला था। कौन है बड़े, ये भी कोई सब्सक्राइबर है, ये मैं इसके दुकान पे खाया था ना, वो खाना खाया ना मैंने, तब से बोलता है भाई, मेरे भाई ने कमेंट लिखा था इसकी आईडी से, मेरा रिश्ता वापस कर दो। सही है, करती रहनी चाहिए यार भाई, चलता रहता है ये सब कुछ, कोई मसला नहीं। तो गाइस निकलते हैं फिलहाल, अभी यहाँ पे मिल गए थोड़े सब्सक्राइबर, तो बाइक वाइक जो भी था उठा दी और धक्का वक्का मार दिया फैसल भाई। चलो गाइज ये सब तो होता रहता है मोटो व्लॉगिंग में, तो अभी चलते हैं यहाँ से सीधा करालपुरा, फिर वीडियो भी एंड करेंगे, बाकी वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, सब कुछ कर देना। सच में भाई आज इतनी ठंड है ना, जेन्युइन बात है, इतनी ठंड है, इतनी ठंड में वीडियोस बना रहे हैं, मोटो व्लॉग करना बहुत बहुत मुश्किल है कसम से बहुत, और कश्मीर में तो बहुत ज्यादा मुश्किल है यार, प्लीज कर देना यार। तो जी भाई लोग अभी हम पहुंच गए अपने मार्केट में, तो फैसल भाई ना व्लॉगिंग देख रहे हो कैसे व्लॉगिंग करता है बंदा, गलत सीन हो गया। तो अभी फैसल भाई साथ में अगर कोई दोस्त यार हो ना फिर उसका हो जाएगा, भेज दिया मैंने घर उसे, ठीक है। फैसल भाई कहाँ जाना है, क्या प्लान है नेक्स्ट, को कैप्चर करते हैं ना, देख कैसे कितना गंदा चलते हैं ना, पकड़ते हमें ही है, चलता कोई और है, पकड़ता हमें भाई, सही है, हमने क्या किया ऐसा यार, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, देखना कितना तगड़ा है। पहुंच गए फैसल भाई के गांव के पास ही, तो फैसल भाई कुछ इसके बारे में बोलो कहां पहुंच गए हम। ये मैंने ये इस जगह का नाम है गजरिया, हाँ जी, इसके आगे आता है बाकीपुरा, उसके बाद आता है वारसुल, हाँ जी वारसुल मेरा गांव है, हाँ। आमिर भाई तो आया हुआ है वहां पे, हाँ मैं आया हूँ वो लास्ट वाला पॉइंट पे, तो मैं आमिर भाई को बोल रहा था कि भाई जब भी रात को कभी यहाँ पे आना होता है और गाँव में जब लाइट नहीं होगी तो जिस जगह पर भी लाइट जलती हुई दिखी ना, काफी सारी लाइट मतलब बाउंड्री पे काफी सारी लाइट दिखी, तो सोच लेना फैसल का घर वही है, तो आ जाना घुस जाना सीधा अंदर, तो फिलहाल निकलते हैं पहुंचते हैं वहाँ पे और मिलते हैं इंशाल्लाह भाई। अभी हम पहुंच गए फैसल भाई के घर, तो ये सामने इनका गांव है, तो काफी ज्यादा मजा आया यहाँ पे, बाकी अभी हम चाय वाय पी रहे हैं एंड वीडियो भी एंड करेंगे। मैंने तो आमिर भाई को कहा कि भाई रुक जा रात को, मैं तेरे को दिखाता हूँ कि हम लोगों का क्या तरीका होता है, कैसे हम खिदमत करते हैं लोगों की, बट मान ही नहीं रहा बंदा यार, मैंने हजार बार कहा भाई रुक जा, बड़ी मुश्किल से चाय के लिए कन्विंस किया यार उसको, यार मान ही नहीं रहा था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे ना नाइट को बैठेंगे इंशाल्लाह, पक्का मेरे भाई की शादी है, जिस दिन शादी होगी मैं सब भाइयों को बुलाऊंगा इंशाल्लाह, उस दिन तो अलग ही शुगर मचेगा, मैं तो पहले आ जाऊंगा 5-6 दिन पहले, हमारे यहां महीना पहले डीजे स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस आज का वीडियो यही तक था, करते हैं आज का प्यारा सा वीडियो एंड, तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, बाय बाय गाइस।